अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ए, उसने कहा कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए जो कि स्क्वेयर इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का क्या मतलब होता हैज अ स्क्वेयर, हैज अ इनवर्स, ठीक है। सॉरी, इन्वर्टेबल का मतलब क्या कहता हैज अ इनवर्स इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो दिस इज द कंडीशन जिसके बारे में हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी इन्वर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है। वो कंडीशन क्या है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। सो अब इसे देख लेते हैं फर्दर। मान लीजिए लेट, मैं मान लेता हूँ लेट मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है हैविंग ऑर्डर एन। सो मुझे इसका फाइंड करना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो इन चैप्टर 3 ऑफ मैट्रिसेस हमने क्या कहा था, इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, इक्वेशन। हम इक्वेशन यूज़ करते थे ए इंटू बी इज इक्वल टू आई। अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए को मैं मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर दूं सेम ऑर्डर की, ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होगा, सो तो मुझे रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। सो मैं कह दूंगा बी इज माई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और हम क्या कह सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। सो इसकी हमने थोड़े करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे कि बी इज अ यूनिक मैट्रिक्स होगी, है सेम ऑर्डर होगा। सो अब उन्होंने हमें कंडीशन कह दी कि इसका इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 4 इफ ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डजंट इक्वल टू 0, पॉजिटिव आ सकता है नेगेटिव आ सकता है। सो इसे देखते हैं। सो इसी स्टेटमेंट को अगर मैं लिखूं ए बी इज इक्वल टू आई, अब मैं क्या करता हूँ इस पे मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, ठीक है, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अब सिंस मुझे एक चीज पता है, सिंस पहले आई की बात कर लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ आई मेरे पास हमेशा ही 1 होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है, इट्स अल्फा अ नंबर। सो आप ट्राई कर सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का, सॉरी किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए आपके पास 1 ही आएगा, जैसे हमने पहले भी देखा था। एंड बाय यूजिंग थ्योरम 3, यहाँ पर अगर मैं थ्योरम 3 यूज करूँ तो थ्योरम 3 मुझे क्या कहती थी, अगर प्रोडक्ट ऑफ, थ्योरम 3 हमें क्या स्टेट करती थी, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होएगा, रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स के रिस्पेक्ट के इक्वल। सो मैं इसे यूज कर लेता हूँ थ्योरम 3 को यहाँ पे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन लगा के। अब मेरे पास एक थ्योरम 2 भी थी, थ्योरम 2। अब हम थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग इस रिलेशन को क्या कह सकते हैं कि अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं ए बी, अगर बोथ आर नॉन सिंगुलर तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होगा। इसी थ्योरम को अगर मैं रिवर्स कहूँ, मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नॉन सिंगुलर, सो माई मैट्रिसिस आर आल्सो नॉन सिंगुलर। फ्रॉम हेयर मैं बाई यूजिंग थ्योरम 2 कह सकता हूँ कि जो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 10 विच गिव्स, मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर आ गई। नॉन सिंगुलर मीन्स इसका डिटर्मिनेंट डजंट इक्वल टू 0 होगा। सो दिस इज द कंडीशन, ठीक है, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।
अब इसको हम कन्वर्सली भी करके देख लेंगे, इसको उल्टा करके भी देख लेंगे तो हमें क्या मिलता है। सो नोट इट डाउन, फिर इसको हम रब कर देंगे, फिर हम इसका कन्वर्सली चेक करेंगे। एंड इस कंडीशन को अब मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ। हेंस मैट्रिक्स ए जो हमारी है इज नॉन सिंगुलर होनी चाहिए फॉर द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, के उसके इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, और द ओनली कंडीशन कि ए इज नॉन सिंगुलर, मतलब इसका डिटर्मिनेंट डजंट इक्वल टू जीरो। सो हमने थ्योरम 4 का क्या कंडीशन चेक की थी कि ए स्क्वेयर मैट्रिक्स सेट टू बी इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो हमने यहाँ पे प्रूफ करके देख लिया कि फ्रॉम चैप्टर 3 हमारे पास ये इक्वेशन है ए बी इंटू वाई, ये तभी पॉसिबल है इफ वी इज इनवर्स ऑफ ए। सो पहले हमने इसको डिटेल में स्टडी किया था। सो इसे अब मैंने अब कॉम्पैक्ट फॉर्म में साइड में लिख लिया। तो अब इसको अब देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट हम कैसे इनवर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्टेबल होगी। इन्वर्टेबल होगी मीन्स जो ए मैट्रिक्स मेरी नॉन सिंगुलर होगी, नॉन सिंगुलर होगी जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसी चीज को उल्टा कहता हूं, कन्वर्सली उल्टे तरीके से, लेट माई ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, ए बी माई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो बाय थ्योरम फर्स्ट, अब नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो बाय द डेफिनेशन। अब हमें मालूम है थ्योरम 1 हमें क्या दे रही थी कि ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, जैसे हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू इनके प्रोडक्ट विद ए मैट्रिक्स इट्स गिव अस टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय थ्योरम 1। सो अब मैं इसे क्या करता हूं, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद डिटर्मिनेंट ए, मैं इसको डिवाइड करता हूँ बोथ साइड्स विद डिटर्मिनेंट ए। ठीक है जी, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, अगर इसे ए को मैं ऐसे ही लिख लूँ एज सच, सो डिटर्मिनेंट को इसमें ले जूँ 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू। अब डिवाइड किए ये कैंसिल, सिर्फ मेरे पास बचेगा आई। सो क्या इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू आई, दिस इज माई कंडीशन टू एग्जिस्ट आ इनवर्स। अगर हम कह सकते हैं कि बी ए का इनवर्स होगा तो मेरे पास आई मिल जाएगा, जैसी इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं अगर बी का इनवर्स ए होगा तो भी मेरे पास आई आ जाएगा। दिस इज द कंडीशन। अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो मेरे पास राइट हैंड साइड में आई है इज इक्वल टू आई। सो अगर मैं इसे कंपेयर करूं, मेरे पास ए है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बी ए बी। सो कैन आई राइट, कैन आई राइट दिस टर्म एज अ बी इज इक्वल टू, सो ये भी बी आ जाएगा, बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। सो वेयर
मैं बी को क्या कह दूंगा, बी इज माई वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ डैट मैट्रिक्स ए। सो अब यहां से हमें क्या मालूम चल रहा है कि अगर हमें इन्वर्स फाइंड करना है, मान लीजिए मैट्रिक्स ए गिवन है, मैंने उसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो मैं सिंपली दिस फार्मूला यूज करके, क्योंकि हमने पहले स्टेट किया था कि b इज माई इन्वर्स ऑफ a, सो b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट, वी कैन इजिली फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम चेक कर लेंगे कि अगर हमें पता चल गया a मेरा नॉन सिंगुलर है, सो हम उसका इन्वर्स इजिली फाइंड कर सकते हैं बाई दिस फार्मूला, किसके बराबर, वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डैट मैट्रिक्स जो हमें गिवन होगी जिसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है इन टू एडजॉइंट ऑफ ए। सो प्लीज नोट इट डाउन, सो इसे एक बार और फॉर्म में लिख लेते हैं। सो ए इज इन्वर्टिबल मैक्सिस इफ ए इज माई इन्वर्टिबल मैक्सिस, वो हम चेक करेंगे बाय कंडीशन ऑफ नॉन सिंगुलैरिटी से, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया, सो फिर हम क्या करेंगे, दस हम कह देंगे अगर मेरा ए इज नॉन सिंगुलर आ गया तो हम कह देंगे दस ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब हैज अ इनवर्स, इन वर्टिबल, ठीक है जी, हैज अ इनवर्स। तो वो इनवर्स निकलेगा कैसे, सो ए इनवर्स हमारा कैसे निकल जाएगा, वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से, सो वी कैन इजली फाइंड आवर इनवर्स विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट। सो प्लीज नोट इट डाउन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।